हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अगेन पटना ट्रिप का दूसरा पार्ट, जहाँ मैं कुंदन से मिलता हूँ अपने ऑफिशियल मीटिंग के रिगार्डिंग। ऑफिस में काफ़ी सारी बातें होती है, कई सारे स्ट्रेटेजी डिस्कशन होते हैं, उसके बाद हम दोनों चले जाते हैं दीघा घाट घूमने के लिए, बिकॉज पटना फर्स्ट टाइम है मेरे घूमने फिरने के लिए। तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है, बट टाइम बहुत कम है, बिकॉज एनीवेज ऑफिस का काम सबको पता है कि बहुत कम टाइम मिलता है। तो जो भी टाइम मिला है इसमें घूमने चलते हैं, आपके सामने सारी चीज़ें दिखाता हूँ जो चीज़ें मैंने पहले रिकॉर्ड की है। हालांकि ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, बट एडिट आज के डेट पे कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा पुराने वीडियो क्वालिटी से, साउंड क्वालिटी से, चीज़ों से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज। क्या नज़ारा है, वो रहा आपको दिख रहा होगा ब्रिज, जिसको मैं 4x जूम करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं इसको, नाव वगैरह है, जिसकी मदद से आप यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत घूमना फिरना चाहें तो घूम फिर सकते हैं। ये चार्जेस वगैरह पेट सर्विस है। बाकी आप देखोगे कि यार दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा है, वो भी लाल पानी। और यहाँ पर लोग, ये जो आप यहाँ का इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर अभी डेड बॉडीज़ वगैरह जल रही हैं, तो इनको रहें। तो बाकी आप ये नज़ारा देखो, ये वाला। इसमें एक्चुअल ख़ास बात क्या है ब्रिज की, कि ऊपर में व्हीकल्स वगैरह, फोर व्हीलर टू व्हीलर गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, और उसी के जस्ट नीचे में रेलवे लाइंस हैं। तो पहले चलते हैं ज़रा इस नाव के लोकेशन पे, और यहाँ से फिर बाकी लोगों की तरह थोड़ा सा नज़ारे का मज़ा लेते हैं। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि अभी यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ कुंदन भाई साहब का, 2 घंटे के लिए बाहर निकले हुए हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद फिर से अगले 3 दिन तक लगातार काम, फिर वापस भी जाना है। सो थोड़ा बहुत एंजॉय करना बनता है गाइस। तो फाइनली कुंदन भाई भी आ चुके हैं, अब यहाँ के बाद आगे की चीज़ें जो है कुंदन भाई गाइड करेंगे, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, और एक्सप्लोर करते हैं बाकी चीज़ों को। और आज क्लोजिंग डे है, सेल्स पंचिंग भी करवाना जरूरी, तो उनको लगातार कॉल्स वगैरह आते ही रहते हैं, तो वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग घूमने का भी काम करते हैं। चलिए कुंदन भाई, जैसे आगे उठा गंदी बढ़ता जाएगा। मैं कहाँ आ गया, संडे को काम वाम छोड़ छाड़ कर गया। गोपाल भाई बुला ले जबरदस्त। अच्छा हम बुलाए हैं, रजत सर के पास यही मैसेज जाएगा गोपाल काम बंद करवा रहा है कुंदन का। सवाल ही सब संडे मंडे है, संडे कल मंडे है। ये वाला समय चेंज कर देंगे इसे चेक करके, अब ये फ्लो बन, फ्लो बनाएगा, डबल क्लिक कर देखिए ऊपर नीचे, इससे मूव करेगा धीरे धीरे स्लो मोशन में, जैसे रखा क्रेजी फक ब्रो। और हम चाहते हैं कि ये सेल्फ ट्रैकिंग करें, मतलब ऑटो ट्रैक करें। हाँ बस अब आप घूमिए हाथ एक जगह रख करके, आप घूमिए हाथ मत घुमाइए, थोड़ी छोड़िए अब घूम, इधर जिधर जाना चाहिए। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहाँ जा रहे, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट सब शॉर्टेड इसके लिए। शीट जस्ट गॉट रियल। हाँ बिल्कुल, अपने हिसाब से सब एडजस्ट कर लेगा। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इससे पहले मैं नाव पे एक बार शायद कोलकाता पे चढ़ा था, वो 2012 की बात है, बट आज मैं दोबारा से नाव में चढ़ने का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ।
तो कुंदन भाई अपना काम कर रहे हैं और मैं नाव पर चढ़ करके सफ़र स्टार्ट करता हूँ। तो ऑलमोस्ट ये 10 मिनट का राइड यहाँ से लेकर के ब्रिज तक का रहता है, ब्रिज के काफ़ी क्लोज ले जाता है और वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है। एनीवेज वहाँ पे बेसिकली बच्चे खेल कूद रहे हैं बगल में ब्रिज के नीचे, जो कि दीघा ब्रिज है। तब देख पा रहे हैं कि जो मौसम है वो भी बहुत शानदार, जो हवा चल रही है वो बहुत ही औसम शानदार मज़ेदार हवा चल रही है। तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ। वो पर्टिकुलर मोमेंट में जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो अभी इस टाइम पे एक्सप्रेस करना मुश्किल है, बट बहुत ही मज़ा आया मुझे इस नाव के राइड को लेते हुए। ओवरऑल 10 मिनट कंप्लीट हो गए, अब मैं वापस आता हूँ और बाकी लोगों के साथ इंट्रैक्शन कर रहा था, जो भी लोग नाव में बैठे हुए थे मेरे साथ। सभी लोगों ने इंजॉय भी किया काफ़ी, और स्पेशली यहाँ पर सभी लोग जो है राइड इंजॉय करने ही आते हैं। और मौसम तो भाई बहुत ही औसम था, इतना ही मैं कह सकता हूँ। अब चलते हैं वापस कुंदन के पास और देखते हैं कुंदन क्या काम कर रहा है अभी तक। इतनी मेहनत आयुष वाले हम लोग की छुट्टी नहीं होता है। वर्कोहोलिक दुबे जी, मिस्टर दुबे दुबे नहीं, डायरेक्ट आपके साथ इसलिए ठीक है। और जब फिलहाल कुंदन भाई मांग रहा होगा ना, दुबे भाई से बात कर रहे हैं, दुबे भाई से बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, समझ रहे हैं सब कुछ। आप चेक कर लिए उसका आगे बताएंगे, तो अब इनका काम भी खत्म करते हैं कुंदन भाई का थोड़ी देर में काम खत्म होगा, लेकिन थोड़ा देर कब खत्म होता है ये पता नहीं चलता है। तो थोड़ी देर का मतलब 9 बज जाएगा, 10 बज जाएगा, 11 बज जाएगा, 12 बज जाएगा, कोई बज जाएगा पता नहीं चलेगा। अब हम लोग काम करेंगे तब तक पीएसएल प्रमोशन लेगा। टीम देख रहे हो ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ वहाँ करके भी। ये रहा पुट्टा, और अब पुट्टा का मजा लिया जा। नमक। चलिए अब जरा पुट्टा का मजा लिया जाएगा इस आराम से। शाम मस्तानी और ये नाच किया जाए। सो फाइनली गाइज ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे मैंने यहाँ बिता लिया और यहाँ पर भी अब आप देख पा रहे हो ब्रिज को अपने आप में। बेसिकली कैमरा में तो भले ही आपको उतना अच्छा से ना दिख रहा हो, बट एक्चुअली मैं रियलिटी में ये बहुत ही शानदार दिख रहा है। और नदी की ओर तो बिल्कुल ही नहीं देख पा रही क्योंकि आपको अंधेरा बहुत ज़्यादा है, बट अब ये व्यू देखो ये बहुत ही खास है। और ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से टाइमिंग बता देता है, एग्जैक्ट टाइमिंग जो है 6:44 हो रहा है, बट नज़ारा देखो भाई अल्टीमेट नज़ारा है। क्या मस्त फोटो आ रही है, वीडियो आ रही है, बहुत सेक्सी बहुत गुड। तो इस तरीके से 2 से 3 घंटे हमें बिताया जा सकता है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमें बिताया भी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो फाइनली 3 से 4 घंटा दीघा घाट पर बिताने के बाद काफ़ी सुकून मिला। जो फ्रेश एयर, जो माहौल, जो वेदर, जो इन्वायरमेंट था गाइस बहुत ही शानदार था। I can recommend everyone to spend 2-3 hours, 4 hours at this location. इसके अलावा हम दोनों चलते हैं अपने घर की और होटल में जाके कुछ खाते पीते हैं, मार्केट में जाकर के कुछ इन्जॉय करते हैं, कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मैं दीघा में कर सकता हूँ।